पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस ने बुधवार को डीसी कार्यालय हमीरपुर के बाहर भारी तनातनी के बीच सुस्त प्रशासन व प्रदेश सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त करते हुए पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने यह काम सिरे नहीं चढ़ने दिया। पुलिस विभाग की मौजूदगी में तय पुतला जलाने के प्रयास के दौरान युवा कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मचारियों में खासी बहस हुई। पुलिस वालों और युवा कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी के इस माहौल में पुतला जलाने में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ हद तक सफल नहीं हो गए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन से यूथ कांग्रेस इसी स्थल पर बैठी है। इसी मार्ग से डीसी महोदय भी जाते हैं, इसी मार्ग से एसपी भी जाते हैं, इसी मार्ग से परसों जयराम अपनी पूरी मंत्रिमंडल को लेकर गए। शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे, लेकिन किसी ने इतना हजूम नहीं किया लेकिन को पूछ सके क्यों बैठे हो, क्या बैठे हो। आज जब उग्र प्रदर्शन की बार आई तो बसें भर भर के पुलिस वाले जयराम ने यहाँ भेज दिए, और वो पुलिस डिपार्टमेंट जिसके डीजीपी के नाक तले इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, लेकिन वो छुट्टी मनाने के बाद कर्नाटक तिरुपति में घूम रहा है। तो युवा कांग्रेस आज 12 के 12 जिलों में ये धरना प्रदर्शन कर रही है, पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल में बैठी है। हमारी जयराम ठाकुर से 2 टूक मांग है कि इस डीजीपी को सस्पेंड करो। प्रदेश के 70 लाख लोगों को धोखाधड़ी हुई है, 74,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, उनसे जब धोखाधड़ी हुआ है उसका जवाब दे और डीजीपी पे जल्दी कार्रवाई करें। और जी ये ना जाने कौन से कारण है कि जयराम ठाकुर इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, मुंह पर अपने पट्टी बांध के बैठे हैं, वो आए और डीजीपी पे कार्रवाई करें और उनका भी बचाव किया। पर आपको नहीं लगता कि इतने दिनों से शांति, मतलब इतनी शांति से आप ये कर रहे थे और ये जो अब आपने किया ये सब वेस्ट ही हो गया एक तरह से? युवाओं के अंदर, युवाओं के अंदर जो आग रवि है वो एक नए दिन ज्वालामुखी बन के उभरेगी, और ये ज्वालामुखी जिन दिन फटेगा तो सोई हुई सरकार भी जागेगी। शुक्रांत।